नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है दीक्षा भूमि वीकली स्पेशल ट्रेन के बारे में, जो कि 19 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। ये जो ट्रेन है कोल्हापुर महाराष्ट्र से धनबाद झारखंड के बीच में चलेगी, हफ्ते में एक दिन चलेगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है दीक्षा भूमि वीकली स्पेशल ट्रेन के बारे में, जिसका ट्रेन नंबर है 01045। और ये जो ट्रेन है अभी स्पेशल नाम के चल रही है, पहले दीक्षा भूमि एक्सप्रेस के नाम से चलती थी। अगर बात करें इसके ट्रैवल टाइम के बारे में तो ये 52 घंटे में अपनी दूरी जो है कोल्हापुर से धनबाद की कवर करेगी, और इसके तकरीबन 36 स्टेशंस हैं और 2505 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करेगी। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 48 किलोमीटर पर आवर। कोल्हापुर से ये ट्रेन जो है हर शुक्रवार को चलेगी और धनबाद में इतवार को पहुंचेगी। कोविड रिजर्व ट्रेन है और इसे सेंट्रल रेलवे डिवीजन जो है ऑपरेट करता है। अगर बात करें इसके टिकट किराए के बारे में तो आज जो है 17 फरवरी है, वैसे इसकी बुकिंग जो है 16 फरवरी से स्टार्ट हो गई है, और ये जो ट्रेन है 19 फरवरी से चलनी स्टार्ट हो जाएगी कोल्हापुर से। तो मैंने अभी आपको IRCTC का स्क्रीनशॉट दिखाया। तो अगर इसके टिकट किराए के बारे में बात की जाए तो मैं जो अभी आपको आगे दीक्षा भूमि वीकली एक्सप्रेस का टिकट किराया बताऊंगा वो कोल्हापुर से धनबाद तक का होगा, जिसमें सेकंड एसी का जो टोटल किराया वो है 3370 रुपये, जिसमें 3114 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज जो है 161 रुपये है। और इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच भी हैं। थर्ड एसी का टोटल किराया है 2315 रुपये, जिसमें 2119 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज जो है वो 111 रुपये है। टोटल किराया जो बनता है वो है 2315 रुपये। ये तो हो गई थर्ड एसी की बात। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास में कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। स्लीपर क्लास के तकरीबन 10 कोचेस होंगे, तो जिसका टोटल किराया जो है 895 रुपये है, जिसमें 845 रुपये बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपये है, और टोटल अमाउंट जो बनता है वो है 895 रुपये। ये स्लीपर क्लास की बात है। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल अनरिजर्व डिब्बो के तकरीबन 5 कोचेस होंगे, तो अगर आपने जनरल अनरिजर्व डिब्बो में भी अगर चढ़ना है तो आपको विदाउट रिजर्वेशन आप नहीं चढ़ सकते, रिजर्वेशन करा के ही जाना पड़ेगी। तो विथ रिजर्वेशन जो किराया है वो है 550 रुपये। ये जो मैं अभी आपको किराया बता रहा हूँ ये अपडेटेड और सही किराया है। आप किसी भी रेलवे वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कन्फर्म कर लें और इसका एक बार टाइम टेबल भी कन्फर्म कर लें। वैसे ये ट्रेन जो है 19 फरवरी 2021 से स्टार्ट हो जाएगी। चलो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम बात करेंगे इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में। ये जो ट्रेन है श्री छत्रपति शाहू जी महाराज टर्मिनस कोल्हापुर से जो है हर शुक्रवार को सुबह 4:35 पर चलेगी और धनबाद में इतवार को पहुंचेगी। तकरीबन 52 घंटे का सफर जो है कवर करेगी और इसके तकरीबन 38 स्टेशन हैं और 2505 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करेगी। इसका जो दूसरा स्टेशन है वो है मीरठ जंक्शन। मीरठ जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 5:35 पर पहुंचेगी और 5:45 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 47 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होगी। मीरठ जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है MRJ। यहाँ पर इसका इंजन भी रिवर्स होता है। जो इसका तीसरा स्टेशन है वो है कवठे महाकाल। यहाँ पर 6:50 पर पहुंचेगी और 6:52 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। ढलगांव में ये ट्रेन जो है सुबह 7:06 पर पहुंचेगी और 7:08 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 108 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होगी। ढलगांव के बाद ये ट्रेन जो है पंढरपुर में पहुंचेगी। पंढरपुर महाराष्ट्र में सुबह 7:50 पर पहुंचेगी और 7:55 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 184 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। इसका स्टेशन कोड है PVR पंढरपुर का। पंढरपुर के बाद ये ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन कुर्डुवड़ी जंक्शन में पहुंचेगी सुबह 9:05 पर और 9:10 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 236 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होगी। कुर्डुवड़ी के बाद ये ट्रेन जो है बारसी टाउन में पहुंचेगी। बारसी टाउन में ट्रेन जो है सुबह 9:38 पर पहुंचेगी और 9:40 पर वहाँ से रवाना हो जाएगी। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 274 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड है BTW। बारसी टाउन के बाद यह ट्रेन जो है उस्मानाबाद में पहुंचेगी। उस्मानाबाद महाराष्ट्र में ये सुबह 10:27 पर पहुंचेगी और 10:30 पर वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है, इसका स्टेशन कोड है UMD। उस्मानाबाद के बाद यह ट्रेन जो है
लातूर स्टेशन में पहुंचेगी दोपहर के 1:05 पे, और 1:10 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 388 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। इसके बाद ये ट्रेन जो है लातूर रोड जंक्शन में पहुंचेगी दोपहर के 2:10 पे, और 2:30 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 20 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर इसका इंजन रिवर्स होता है और यहाँ पर इसका टेक्निकल स्टॉप है। परली वैजनाथ में भी इसका इंजन रिवर्स होता है। शाम के 4:20 पे पहुँचती है और 4:40 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉप है। परभनी जंक्शन में यह ट्रेन जो है शाम के 6:10 पे पहुँचती है और 6:12 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। हजूर साहिब नांदेड़ पनवेल फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन और नंदीग्राम कोविड 19 स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होगी। इस परभनी जंक्शन के बाद ये पूर्णा जंक्शन में शाम के 6:50 पे पहुंचती है और 6:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 578 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है हजूर साहिब नांदेड़ में शाम के 7:30 पे पहुंचेगी और 7:32 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 608 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। और हजूर साहिब नांदेड़ के बाद ये किन्वत महाराष्ट्र में पहुंचेगी रात के 11:00 और 11:01 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। 747 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है KNVT। आदिलाबाद तेलंगाना में ट्रेन जो है रात के 12:05 पे पहुंचेगी और 12:10 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 792 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। आदिलाबाद के बाद ये ट्रेन जो है पिंपल खूंटी स्टेशन में पहुंचेगी 1:31 पे और 1:33 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी। वानी स्टेशन में ट्रेन जो है रात के 3:20 पे पहुंचेगी और 3:30 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी। मजरी जंक्शन महाराष्ट्र में शाम के 4:23 पे पहुंचेगी और 4:28 पे वहां से रवाना हो जाएगी। 5 मिनट का स्टॉप है। सेवाग्राम जंक्शन में ये सुबह 5:28 पे पहुंचेगी और 5:30 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 978 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होगी। इसके बाद ये ट्रेन जो है नागपुर जंक्शन में पहुंचेगी सुबह 6:55 पे और 7:00 वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1054 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होगी और तेलंगाना कोविड 19 स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होगी। बैतूल मध्य प्रदेश में ट्रेन जो है सुबह 9:55 पे पहुंचेगी और 9:57 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी। घोड़ा डोंगरी मध्य प्रदेश में ट्रेन जो है सुबह 10:31 पे पहुंचेगी और 10:33 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकेगी। इटारसी जंक्शन में दोपहर के 12:00 पहुंचेगी और 12:10 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद यह ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन जबलपुर जंक्शन में शाम के 5:30 पे पहुंचेगी और 5:40 पे वहां से रवाना हो जाएगी। 10 मिनट का स्टॉप है। और कटनी जंक्शन में यह ट्रेन जो है शाम के 5:00 पहुंचेगी और 5:05 पे वहां से रवाना हो जाएगी। 5 मिनट का स्टॉप है। कटनी जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है KTE। इसके बाद यह ट्रेन जो है मध्य प्रदेश के आखिरी स्टेशन सतना जंक्शन में शाम के 6:25 पे पहुंचेगी और 6:30 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। 786 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी। और इसके बाद यह ट्रेन जो है प्रयागराज चिवकी जंक्शन में रात के 9:40 पे पहुंचेगी और 9:42 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1955 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होगी। और प्रयागराज चिवकी जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है PCOI। इसके बाद यह ट्रेन जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगलसराय में रात के 12:50 पे पहुंचेगी और 1 बजे वहां से रवाना हो जाएगी। 10 मिनट का स्टॉप है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बाद यह ट्रेन जो है भाबुआ रोड में पहुंचेगी सुबह 9:40 पे और 9:42 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2154 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होगी। भाबुआ रोड का स्टेशन कोड है BBU। और इसके बाद यह ट्रेन जो है सासाराम जंक्शन में रात के 2:14 पे पहुंचेगी और 2:16 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2201 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर कर चुकी होगी। इसके बाद यह ट्रेन जो है देरी ऑन सोने में रात के 2:30 पे पहुंचेगी और 2:32 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2220 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होगी।
अनुग्रह नारायण रोड पे रात के 2:44 पे पहुंचेगी और 2:46 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, ये बिहार का स्टेशन है और 2236 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक ट्रेन कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड है AUBR। इसके बाद ये ट्रेन जो है गया जंक्शन बिहार में सुबह 4:45 पे पहुंचेगी और 4:50 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2305 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होगी और गया जंक्शन में दून फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होगी। इसके बाद ये ट्रेन जो है कोडरमा जंक्शन में सुबह 6:24 पे पहुंचेगी और 6:27 पे वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है, 2380 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड है KQR। पारसनाथ स्टेशन में ट्रेन जो है सुबह 7:13 पे पहुंचेगी और 7:15 पे वहां से रवाना हो जाएगी। 2 मिनट का स्टॉप है, 2456 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड है PNME। इसके बाद यह ट्रेन जो है धनबाद जंक्शन में पहुंचेगी। धनबाद जंक्शन झारखंड में ट्रेन जो है सुबह 8:35 पे पहुंचेगी और 2504 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होगी। धनबाद जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है DHN। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अन्य वीडियोस बनाओ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।